सतना स्थित केजीएस सीमेंट फैक्ट्री में बीते दिनों हुए हादसे में 3 मजदूर जलकर घायल हो गए थे, जिसमें से एक मजदूर की अब मौत हो गई है, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों ने सीमेंट फैक्ट्री में ताला जड़ दिया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। विगत दिनों केजीएस सीमेंट फैक्ट्री में 3 लोग काम करते वक्त जलकर घायल हो गए थे और उन्हीं में से एक व्यक्ति की अब इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने केजीएस फैक्ट्री में ताला जड़ दिया। बड़ी संख्या में आए लोग फैक्ट्री के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। घटना को लेकर कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह बघेल ने कंपनी पर कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि घायल हुए मजदूरों की कंपनी ने कभी सुध नहीं ली, कंपनी में मजदूरों की सेफ्टी का ख्याल भी नहीं रखा जाता है। ये एक मजदूर विपिन सिंह की मृत्यु हो गई, 2 मजदूर अभी घायल अवस्था में जबलपुर में एडमिट है। आग लगने से 3 ही मजदूरों को शारीरिक नुकसान हुआ। उचित तरीके से उनका इलाज भी फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नहीं कराया गया। मजदूरों को जो सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, वो कोई उपकरण उनको उपलब्ध नहीं कराए गए। उपकरण के अभाव में उनकी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी तक फैक्ट्री के लोगों ने उस मजदूर मृतक मजदूर के परिवार से न तो बात किया है, न किसी तरह से उसमें कंपनसेशन और अन्य जो भी नियम कानून कायदे हैं उसके तहत उनके मदद की कोई बात नहीं की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।